दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आओ इंग्लिश टॉयलेट सीट फिटिंग करने वाले हैं देसी इंडियन सीट को तोड़ने के बाद, और यहाँ पर आओ इंग्लिश सीट लगाएंगे हम, इस इंडियन सीट को तोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने ये सीट मंगा ली है। इसका पीछे से पहले सेंटर चेक कर लेंगे कोई सीधी चीज़ लगाकर कि इसका सेंटर कितना आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर आओ एक फिट आ रहा है, और जो इंडियन सीट है पहले वाली लगी हुई है इसका भी आओ पीछे से आओ मुड़के से एक फिट है। तो हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ये सीटों का वो बीच वाला होल है मुर्गे का, ये आगे पीछे आता रहता है, तो उस हिसाब से आपको पाइप वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप 45 लगाकर एल्बो लगाकर एडजस्ट कर सकते हैं आप वो जिस भी हिसाब से करें। तो हमने यहाँ पर सीधे मुर्गे पर ये पाइप दे दिया पीवीसी का 4 इंच का, और इसकी पीछे वो 13 इंच स्पेस छोड़ा है, और ये सेंटर में दे दिया है। तो हमारा वो 1 फिट के करीब है, तो 1 इंच जगह वो पीछे बच जाएगी, थोड़ी जगह पीछे बचनी चाहिए, ज़्यादा ना बचे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर सीमेंट है वो सीमेंट से इसको पाइप को पैक कर दिया है, और लेवल में काटने के बाद वॉशर लगाने के बाद सीट का है वो इस सीट को फिट कर दिया है। और हमने यहाँ पर ये सीट के पॉइंट बनाए हैं, ये हैंड सावर का बनाया है, और ये हो गया पिचकारी का पॉइंट, और पीछे वो सिस्टर्न का है इस डब्बे को भरने के लिए। तो हमने यहाँ पर वो इंडियन सीट को तोड़ने के बाद इंग्लिश सीट लगा दी है। ये 1 पीस टॉयलेट सीट है, ज़्यादा महंगी नहीं है, तकरीबन 3500 रुपये की है, और ये 5 से 6 हज़ार रुपये में पूरा है वो टॉयलेट तैयार हुआ है। तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ा है, यदि ब्रांडेड आप लाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो सारा सिस्टम बन गया है, पिचकारी वगैरह हमने सारे वो ऑन कर दिए हैं, और इस सीट को भी फिट कर दिया है। तो इस प्रकार से आप भी वो इंडियन सीट को तोड़कर इंग्लिश सीट लगा सकते हैं। यदि पीछे मुर्गे वाली इंग्लिश सीट है तो उसके हिसाब से आप वो पाइप एडजस्ट कर लें आगे पीछे, और हर सीट में वो पाइप का जो ये सेंटर होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।